फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर फाइन एंड वेल. सो यस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अवर जनरल इंग्लिश कोर्स, दैट्स योर ग्रामर बुक. एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न द न्यू टॉपिक. एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो टू नोट डाउन द एक्सरसाइज विच आई हैव टॉट यू इन द प्रीवियस वीडियो. सो टुडे वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. सो लेट अस सी व्हाट्स द न्यू टॉपिक फॉर अस टुडे. So yes, today we are having here assignment 12 and we are having opposites here. You know opposites very well. Opposites मतलब कि उसके विरोध, ठीक है. Opposite मतलब कि उसके विरोधी शब्द जो आपको पता है और आपको अच्छे से आते भी होंगे. So let us see what does this opposite says here with this exercise. Now exercise number 1 of assignment 12 opposites, that is fill in the blanks with the correct opposites of the word underline. Choose your word from the list of words given below. अच्छा, हमें यहाँ पे already words दिए हुए हैं, उसी में से choose करके ये blank में लिखने हैं जो underline word के opposites हैं. So let us see and let us go through it. So okay, what is the first one? Prosperity gains friend and adversity tries them. Prosperity मतलब कि क्या होता है, पता है ना आपको, success, ठीक है, wealth, ये सब होता है prosperity. और adversity क्या होती है, misfortune, ill luck, bad luck, ये सब क्या होता है, adversity, ठीक है. Prosperity मतलब कि हमारा success होता है और adversity होता है हमारा misfortune, बैड लक, इल लक, ये सब होता है हमारा एडवर्सिटी, ठीक है. तो प्रॉस्पेरिटी का ऑपोजिट होगा एडवर्सिटी. एक्सपांड मतलब के फैलना और कॉन्ट्रैक्ट मतलब के रिड्यूस होना, ठीक है. जब हीट एक्सपांड्स एंड कोल्ड कॉन्ट्रैक्ट. हीट एक्सपांड, जैसे आप सबको पता है कि जब लोहे को गर्म किया जाता है तब वो क्या होता है, लोहे को गर्म किया जाता है तब क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है, ठीक है. एंड कोल्ड कॉन्ट्रैक्ट, और जब कोल्ड होती है तब क्या होता है, वो श्रिंक होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है. सो एक्सपैंड का ऑपोजिट होता है कॉन्ट्रैक्ट. द ट्रेन्स विल अराइव ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1 एंड डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 2. अब अराइव मतलब के पहुंचना और डिपार्ट मतलब के लीव, छोड़ना, वहाँ से जाना. तो ट्रेन विल अराइव ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अराइव होगी मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंचेगी, और डिपार्ट होगी मतलब कि वहां से लीव होगी, वहां से निकलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 2. दिस रूल अप्लाइज टू ऑल सॉलिड एज वेल एज लिक्विड. इट्स वेरी इजी, पता है सॉलिड का ऑपोजिट क्या होता है, लिक्विड. और चीप मतलब कि सस्ता, और एक्सपेंसिव मतलब कि महंगा, वो भी आप सबको पता होगा. रिट्रीटेड मतलब क्या होता है, विथ्रो करना मतलब के पीछे हट करना, ड्रॉबैक करना. द एनिमी रिट्रीटेड एज वी एडवांस. एडवांस मतलब कि हम जैसे एडवांस्ड हुए हमारी एनिमी, और सामने वाले क्या किया, ड्रॉबैक किया, विथ्रो किया, ठीक है. रिट्रीटेड मतलब के विथ्रो करना, ड्रॉबैक करना, पीछे हट करना, ये क्या होता है, रिट्रीटेड. सो एडवांस का ऑपोजिट क्या होता है, एडवांस में, एडवांस का ऑपोजिट होता है पीछे हट करना. एडवांस का ऑपोजिट होता है पीछे हट करना, और पीछे हट को इंग्लिश में कहते हैं रिट्रीटेड. होप सो यू आर क्लियर. सो नेक्स्ट वन, ओरल का ऑपोजिट रिटन, एज यू नो वेरी वेल. द ओरल टेस्ट विल बी गिवन टुडे एंड द रिटन वन विल बी गिवन टुमारो. वी मस्ट ऑलवेज ईट फ्रेश वेजिटेबल्स एंड नॉट स्टेल वंस. फ्रेश मतलब के ताज़ा, स्टेल मतलब के बासी. वी शुड एनकरेज डल स्टूडेंट एंड नॉट डिस्करेज देम. एनकरेज मतलब के उत्साह करना, ठीक है, उनको सपोर्ट करना, एनकरेज करना. और डिस्करेज मतलब के उनको डिमोरलाइज करना, उनके उत्साह को तोड़ना, ठीक है. एनकरेज का ऑपोजिट डिस्करेज, जो आप सबको पता है. आई डिसलाइक पीपल ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रिथ. हॉट का ऑपोजिट हो गया कोल्ड, वो भी आपको पता है. फ्लोट, फ्लोट मतलब के तैरना, और सिंक मतलब के डूबना.
द शिप फ्लोट्स ऑन द वाटर वाइल अ पीस ऑफ आयरन सिंक, मतलब कि डूबना। आई एम इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बट माई ब्रदर लाइक्स टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ एंशंट इंडियन। ठीक है, मॉडर्न मतलब के अभी का जमाना, मॉडर्न और एंशंट मतलब के पुराना। सो ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट बट वुड इज ओपैक। ग्लास कैसा है? ट्रांसपेरेंट मतलब के पारदर्शक, और वुड कैसा है? ओपैक मतलब के कुछ भी ना दिखना। प्लेजर एंड पेन आर द टू साइड्स ऑफ आवर लाइफ। प्लेजर मतलब के खुशी, और पेन मतलब के दुख दर्द। ये दोनों साइड्स हमारे लाइफ की, ऑब्वियसली खुशी और गम ये दोनों हमारे लाइफ के दो साइड्स हैं। वर्च्यू एंड वाइस कैनॉट स्टे टुगेदर। वर्च्यू मतलब के गुडनेस, अच्छाई, ठीक है, और वाइस मतलब के क्या होता है? इमोरालिटी, रॉन्ग डूइंग। अब अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ नहीं रह सकती। वेरी ट्रू। बर्थ्स एंड डेथ्स आर रजिस्टर्ड इन लोकल म्यूनसिपल ऑफिस। अच्छा, बर्थ का ऑपोजिट डेथ, वर्च्यू का वाइस, प्लेजर का पेन। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ऑब्वियसली यूनाइटेड का ऑपोजिट डिवाइडेड। यूनाइटेड वी स्टैंड, अगर यूनिटी होगी तो हम एक साथ खड़े रह सकते, डिवाइड हो जाएंगे तो गिर जाएंगे। सो यूनिटी वी स्टैंड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। गॉड ने बनाई कंट्री और हमने बना दिए टाउन। होप सो यू ऑल आर क्लियर विद दिस ऑल दिस ऑपोजिट्स एंड ऑल्सो द आंसर इज गिवन अबव हियर। सो यू कैन राइट डाउन फ्रॉम दिस गिवन लिस्ट ऑफ वर्ड्स। सो राइट द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड विच इज गिवन हियर अबव। Here it is given, so you can write it and also I'll send you the PDF. So hope so, अगर आप किसी word की आपको meaning पता नहीं है तो वो भी मैंने आपको हिंदी में, English में मैंने आपको उसके another synonyms भी दे दिए। So hope so you are clear with this. So please student, do note down in your notebook and go for the video again and again if you are not clear. So thank you and have a nice day.